नमस्कार, वीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं आज के हेडलाइंस पर। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस मनपा का कोविड अस्पताल तैयार। नागपुर महानगर पालिका ने नागपुर विद्यापीठ की नई बिल्डिंग में किया अस्पताल का निर्माण। नागपुर के क्रिम्स अस्पताल के खिलाफ मनपा की कार्रवाई। अनुमति के बगैर पेड़ों की छटाई करने से पुलिस में एफआईआर दर्ज। और 6 दिसंबर को घर से ही बाबा साहेब को अभिवादन करें। नागपुर जिलाधिकारी ने ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए किया जनता को आह्वान। और अब खबरें विस्तार से। ओमिक्रॉन जैसे खतरनाक वेरिएंट के पार्श्वभूमि पर नागपुर महानगर पालिका द्वारा अत्याधुनिक कोविड अस्पताल का निर्माण पूरा हो चुका है। नागपुर विद्यापीठ के नई बिल्डिंग में इस अस्पताल का निर्माण किया गया है। ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए नागपुर महानगर पालिका हर तरह से तैयार रहना चाहती है, जिसके चलते नागपुर विद्यापीठ की नई बिल्डिंग में मनपा ने अत्याधुनिक कोविड अस्पताल का निर्माण पूरा हो चुका है। राष्ट्रसंत तुकड़ोजी महाराज नागपुर विद्यापीठ के श्री जमनालाल बजाज प्रशासकीय बिल्डिंग में इसका निर्माण किया गया है, जो अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। जबकि इस अस्पताल में 199 बेड्स की व्यवस्था की गई है, जिसका जायजा नागपुर विद्यापीठ कुलगुरु सुभाष चौधरी और महापौर दयाशंकर तिवारी ने शनिवार को लिया। थर्ड वेव से निपटने के लिए नागपुर महानगर पालिका किस तरीके से तैयार है? नागपुर महानगर पालिका तीसरी लहर से निपटने के लिए पूरी मुस्तैदी के साथ तैयार है। महानगर पालिका के स्वयं की यंत्रणा के जो दूसरी लहर में संचालित हॉस्पिटल थे, उसमें 450 बेड ऑक्सीजनेटेड बेड विद PSA यूनिट पूरी की पूरी तैयार है। जब भी आवश्यकता पड़ेगी तत्क्षण हम उसे प्रारंभ कर सकते हैं और पेशेंट को सुविधा दे सकते हैं। उसी प्रकार से एक नया सेंटर 200 बेड का इस राष्ट्रसंत तुकड़ोजी महाराज विद्यापीठ की नई इमारत में हमने तैयार किया है। एक्चुअली हमने 200 बेड कहा था, 199 बेड का यह सेंटर हमने बनाया है। मुख्य रूप से तीसरी वेव में बच्चों पर ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, इस प्रकार से सूचना की गई थी, इस दृष्टि से इसको तैयार किया है। पेडियाट्रिक ICU के रूप में हम जो खड़े हैं इस जगह पर इसे तैयार किया है। 6 वर्ष से ऊपर के उम्र के बच्चे यहाँ पर रह सकते हैं और ये 30 बेड का ICU है, जहाँ एट ए टाइम 30 बच्चों को ICU में एडमिट किया जा सकता है। इसके अलावा जो न्यू बॉर्न बेबी है या 6 वर्ष से छोटी उम्र के बच्चे हैं, इनके लिए भी एक ICU 20 बेड का अलग से बनाया गया है, जहाँ पर उन बच्चों के लिए उस प्रकार की सुविधा हो सकती है। यहाँ जो ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई है, उसमें लगाने वाला जो मास्क होता है, वह भी उन बच्चों की उम्र के हिसाब से डिज़ाइन करके बनाया गया है, वह भी यहाँ लगाया जाएगा। अध्यातन व्यवस्था हो सके इस दृष्टि से ऑटोमेटेड ऑपरेटेड बेड की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। कोई पेशेंट अगर ज़्यादा सीरियस होता है तो उसे उस दृष्टि से ऑटोमेटेड ऑपरेटेड बेड पर रखा जा सके, इस प्रकार से उसकी भी व्यवस्था की गई है। आधुनिक जितनी सुविधाएँ आवश्यक है, वे सारी यहाँ इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटर से लेकर के सारी सुविधाएँ यहाँ पर उपलब्ध हैं। और अगर किसी भी प्रकार की नागपुर शहर में पेशेंट की संख्या वृद्धि है तो महानगर पालिका अपनी 450 बेड। नागपुर महानगर पालिका ने नागपुर के प्रख्यात अस्पताल क्रिम्स अस्पताल के खिलाफ सीताबड़ी पुलिस में शिकायत दर्ज की है। ये कार्रवाई बिना अनुमति के पेड़ की छटाई करने के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है, ऐसी जानकारी मनपा द्वारा दी गई है। नागपुर महानगर पालिका के उद्यान विभाग की अनुमति न लेते हुए अस्पताल परिसर में लगे पेड़ की छटाई करने से रामदास पेट स्थित क्रिम्स अस्पताल के खिलाफ शनिवार को सीताबड़ी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की गई है। क्रिम्स अस्पताल में गुलमोहर, बादाम, नीम के पेड़ की छटाई क्रिम्स अस्पताल द्वारा की गई है। इस बात को देखते और मामले की गंभीरता से समझते हुए मनपा आयुक्त के निर्देशों पर सीताबड़ी पुलिस में क्रिम्स अस्पताल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। ओमिक्रॉन के कारण महापरिनिर्वाण दिन पर दीक्षा भूमि पर भीड़ जमा ना हो, ऐसा आह्वान नागपुर की जिलाधिकारी आर विमला ने अम्बेडकरवादी अनुयायियों से किया है, जिस पर जिला प्रशासन द्वारा एक परिपत्रक भी निकाला गया है। ज्ञात हो कि 6 दिसंबर को बाबा साहेब अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण को 65 वर्ष पूरे हो रहे हैं, जिसे देखते हुए मुंबई की चैत्य भूमि के साथ साथ नागपुर की दीक्षा भूमि पर भी बड़ी संख्या में बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए अम्बेडकरवादी पहुंचते हैं।
लेकिन कोरोना के खतरे के बीच नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को देखते हुए नागपुर जिला प्रशासन ने नागपुर की दीक्षा भूमि पर भीड़ न हो और कोरोना नियमों का पालन किया जाए ऐसे आह्वान किया है। जिलाधिकारी आर विमला ने जनता से कहा है कि लोग घर से ही बाबा साहब को अभिवादन करें। शिक्षा से ही मनुष्य का विकास होता है और शिक्षा से संस्कार मिलते हैं, ये कहना है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत का, जो महल स्थित दादा साहेब धनवटे नगर विद्यालय के कार्यक्रम के दौरान उपस्थितों को मार्गदर्शन के दौरान बोल रहे थे। इस दौरान 152 वर्ष विद्यालय के होने के उपलक्ष्य में इस स्कूल का इतिहास जन जन तक जाने की मांग मोहन भागवत ने की है। आम्हाला हा विशेष आनंद वाटतो, या शाळेमध्ये अगदी पहिल्यांदा आलो की डॉक्टरांच्या जन्मशताब्दीच्या वेळेला त्याचं चित्रण जे आहे त्या निमित्ताने आलो। दोन प्रसंग इथे झाले, वंदे मातरमचा झाला तिथे आणि डॉक्टर हेडीवार लहानपणी वडिलांबरोबर कीर्तनात बसले आहेत आणि त्या कीर्तनात काही देशभक्तीच्या गोष्टी झाल्या आहेत असा प्रसंगही इथे झालेला, तर त्यानिमित्त आलो। तर इतकं ते अपूर्व वाटायचं डॉक्टरांची शाळा, नील सिटी हायस्कूलमध्ये अगोदर संदेश शिक्षा वर्गात निवासही राहत असते, त्या काळात खूप शारीरिक केल्यामुळे थकून गेलेले स्वयंसेवक बौद्धिक वर्गात टेकून बसले आणि त्या खालच्या चौकात पडले डुलकी येऊन, असेही प्रसंग झालेले, हे सगळ्या संघाच्याही आठवणी येथेही जुळलेल्या। त्याच्यामुळे संघाच्या स्वयंसेवकांना आणखी विशेष आनंद आहे की शतकोत्तर सुवर्ण महोत्सवापर्यंत ही शाळा आलेली आहे आणि नुसती आली आहे असं नाही, तर या शाळेने आपलं ब्रीद हे कायम ठेवून 150 वर्षाचा प्रवास केलेला आहे। त्यानुसार यांची वाटचाल अशीच पुढे चालत राहावी। शाळा तर मोठी होईलच, जसं त्या झाडांचं मी म्हटलं की आयुष्य दीर्घ असणं हे हाही एक पराक्रम, म्हणून पूर्वीच्या काळात फार धोका असे रोगांचा वगैरे, तर 61 हा एक समारंभ झाला वाटते, सहस्रचंद्र दर्शन हा समारंभ झाला, 100 वर्ष जगल्यावरही समारंभ असतो आपल्याकडे, वय ही एक समारंभ आहे, पण नुसतं वय नाही, त्या वयाबरोबर कर्तृत्व, आणि कर्तृत्व म्हणजे केवळ यश नाही तर मानवी जीवनामधलं योगदान, हे या सर्व दृष्टीने ही शाळा अशीच पुढे जावी आणि ही शाळा एक उदाहरण राहावी, कारण प्रत्येकानेच प्रत्येक शाळेनेच असं असण्याची आवश्यकता आहे। तर शिक्षण क्षेत्रातलं एक उत्तम उदाहरण म्हणून ही शाळा अशीच वाढत राहावी अशा शुभकामना मी देतो, आणि मला हिंदीत बोलायला सांगितलं होतं पण ते मी विसरलो। एसटी महामंडल के कर्मचारियों पर राज्य सरकार द्वारा की जा रही मेस्मा की कार्रवाई गलत है, ऐसा कहना है राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में विधानसभा के नेता विपक्ष देवेंद्र फडणवीस का, जो औरंगाबाद में अपने दौरे के दौरान बोल रहे थे। संदर्भात सरकार की भूमिका ही लोकशाही विरोधी है, मार्ग काढण्याचा कुठलाही प्रयत्न सरकारच्या वतीने होत नाहीये। विरोधी पक्ष म्हणून आम्ही भरपूर सहकार्य सरकारला केलं, तरी देखील सरकारने जे दोन पावलं पुढे यायला पाहिजे ते सरकार येत नाही आहे। काल तर मला माहिती मिळाली की एक उपोषणकर्ता कर्मचारी जो आहे त्यांचा देखील दुर्दैवाने मृत्यू झालेला आहे। मला असं वाटतं की सरकारच्या संवेदना हरवलेल्या आहेत, असंवेदनशीलतेचा कळस आहे, अजूनही वेळ गेलेली नाही। मेस्मा लावायच्या ऐवजी सरकारने चर्चेतनं मार्ग काढावा। काँग्रेसला विरोध म्हणजे भाजपचे हात बळकट करणं असं ते म्हणतात। मी पहिल्यांदाच सांगितलं की सामना आणि संपादक यांचे केंद्रबिंदू आता बदललेले आहेत आणि त्यांचे नेते अलीकडच्या काळात सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी झाले आहेत, आणि म्हणून मला असं वाटतं की तीच प्रचिती आता यातनं आपल्याला मिळते। वक्त हो चला है एक ब्रेक का, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। लव यू दीपिका, बाय। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।
सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। Flywheel Aviation Academy, 1 degree, 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka बैंक नागपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। महाराष्ट्र के डोंबिवली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म क्रमांक 5 पर एक महिला को लोकल पकड़ना इतना भारी पड़ गया कि वो लोकल के नीचे आते आते रह गई। महिला की किस्मत अच्छी थी कि महाराष्ट्र सुरक्षा बल के 2 जवानों ने महिला को बचा लिया। इस घटना का वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया, जबकि बहादुर जवानों की चतुराई की प्रशंसा हर तरफ की जा रही है। प्लॅटफॉर्म क्रमांक 5 फास्टचा जो डोंबिवली रेल्वे स्टेशनचा हे आहे प्लॅटफॉर्म, त्यावर आपल्या माननीय पोलीस आयुक्तसह तसेच DCP साहेबांच्या आदेशान्वये तिथे लेडीज जे आहेत महिला त्यांच्या सुरक्षेसाठी आपण महाराष्ट्र सुरक्षा बल तसेच GRPचे अंमलदार नेमलेले होते। त्यामध्ये एक महिला चालत्या ट्रेनमध्ये चढण्याचा प्रयत्न करत होती, तर त्या ठिकाणी उपस्थित असलेले पोलीस कर्मचारी विवेक पाटील आणि किरण राऊत यांनी सदर महिलेचा जीव वाचवला, कारण ती सदर महिला पडता पडता ट्रेनच्या खाली जात होती। साधारण किती वाजताची घटना आहे? साधारण सकाळी 9:15 घटना होती, ज्यावेळेस रश आवर असतो चढण्याची, पण म्हणजे लोकांना ड्युटीवर जायची घाई असते, अशी घाई करू नये असं मी सामान्य पब्लिकला आवाहन करतो। विदर्भ के बुलढाणा जिले में इतने दिनों बाद ST महामंडल की बस लाल परी बस डिपो से बाहर पड़ी, जिसको पूरे पुलिस बंदोबस्त के साथ डिपो से बाहर निकाला गया। महीने भर से अधिक का समय हो गया है जब ST महामंडल के कर्मचारियों का आंदोलन जारी है, जिसे देखते हुए कई जगह सैकड़ों आंदोलनकारी महामंडल के कर्मचारियों को उनके पदों से निलंबित किया गया, जबकि इसकी सूचना उन्हें दे दी गई थी, जिसकी गंभीरता को देखते हुए हर जगह की बस सेवा ठप पड़ गई है। इस बात के चलते आज करीब महीने भर के बाद बुलढाणा के बस डिपो से लाल परी को यात्रियों की सेवा के लिए निकाला गया, जिसको सुरक्षा देने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। VCR। खापा से पारशिवनी हाईवे से जाने वाले कन्हार नदी पुल का सीमेंट जगह जगह से उखड़ गया और पुल पर लगाए गए सुरक्षा रेलिंग भी टूट गई है, जिसके चलते यहाँ दुर्घटना की संभावना बढ़ गई है। इस पुल से गुजरना अब खतरे से खाली नहीं है, इसके बाद भी प्रशासन द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इस पुल का निर्माण ब्रिटिशकालीन समय में किया गया था। इस मार्ग पर बड़े गांव शिंदेवानी मध्य प्रदेश में जाने वाले टी पॉइंट से पारशिवनी, रामटेक, जबलपुर जाने वाले वाहनों की आवाजाही होती है। ऐसे में इस पुल का सीमेंट भी पूरी तरह से उखड़ गया है और जगह जगह गड्ढे भी पड़ गए हैं। विशेष यानी सुरक्षा रैलिंग नहीं होने के कारण वाहन चालकों को अपनी जान हथेली पर लेकर इस पुल से गुजरना पड़ रहा है। एक माह पहले एक मजदूर शाम के समय अपनी साइकिल से पुल से जा रहा था और उसे सामने से आने वाला वाहन नहीं दिखने से सुरक्षा रैलिंग नहीं होने के कारण वह पुल से नीचे गिरा और उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। उसी प्रकार इस पुल पर छोटे बड़े हादसे होना तो रोज की बात हो गई है, जिसके चलते समय पर ही इसकी मरम्मत करना जरूरी हो गया है। ऐसा नहीं करने से भविष्य में किसी बड़ी दुर्घटना को नकारा नहीं जा सकता। पुल की मरम्मत जल्द से जल्द करने की मांग स्थानीय नागरिकों द्वारा की जा रही है। ग्रामीण भागों में कोतवाल की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। विविध तरह के कार्यों में प्रशासन को सहयोग करने के साथ ही लोगों की मदद भी करते हैं, लेकिन सरकार द्वारा सतत रूप से जारी उपेक्षा की वजह से कोतवालों में निराशा का माहौल है। अभी कोतवालों को मात्र 7,500 रुपए का अल्प मानधन दिया जा रहा है। मानधन बढ़ाने की मांग को लेकर राज्य भर के कोतवाल संगठनों ने 13 दिसंबर से अनिश्चितकालीन आंदोलन की चेतावनी दी है। इस संबंध में महाराष्ट्र राज्य कोतवाल संगठन द्वारा कोतवालों को दिए जा रहे अल्प मानधन में बढ़ोतरी कर कोतवाल पद को चतुर्थ श्रेणी का दर्जा दिए जाने, पटवारी व अन्य पद भर्ती में उन्हें 25% आरक्षण देने आदि मुख्य मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन आंदोलन करने की चेतावनी दी है। संगठन की ओर से बताया गया है कि राज्य में कुल 12,637 कोतवाल काम कर रहे हैं। शासन की ओर से कोतवालों को नाम मात्र 7,500 रुपए का मानधन दिया जाता है। इस बीच शासन की ओर से 10 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने वाले कोतवालों के मानधन में 3% बढ़ोतरी की गई है। वहीं 50 वर्ष के पूर्व के कोतवालों को 15,000 रुपए मानधन दिया जा रहा है। इस संबंध में संगठन की ओर से कई बार राज्य के संबंधित विभाग के मंत्रियों तथा वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा की गई, विविध मांगों को लेकर आंदोलन किए गए, लेकिन शासन की ओर से इस और गंभीरता से ध्यान नहीं दिया जा रहा है।
आखिरकार महाराष्ट्र राज्य कोतवाल संगठन ने अपनी लंबित मांगों को लेकर अपने आंदोलन को तेज करने का निर्णय लेकर 12 दिसंबर तक उपरोक्त मांगे मंजूर नहीं किए जाने पर मुंबई के आजाद मैदान पर 13 दिसंबर से अनिश्चितकालीन आंदोलन की चेतावनी दी। तो प्राइम टाइम न्यूज में आज इतना ही, आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज। नमस्कार।